क्लाउड की जरूरत क्यों पड़ रही है, हम क्यों क्लाउड यूज कर रहे हैं, क्लाउड के बेसिक्स के ऊपर उसको समझने के लिए पहले वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव इनोवेशन है 21st सेंचुरी में। और मेरे ख्याल से मतलब आप ये सोचो कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको मार्केट कवर करने में कितना टाइम लगता है। एक क्लाउड ही शायद ऐसी चीज है जो इतनी जल्दी अडॉप्ट हुई है मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी में। तो होता क्या है क्लाउड, अगर आपको एक समरी बताऊं तो एक आसमान में लटकता हुआ कोई कंप्यूटर नहीं है, मतलब वो भी एक फिजिकल मशीन ही है, एक मशीन नहीं है, बहुत सारी मशीन्स है दुनिया भर के डेटा सेंटर्स में फैली हुई हैं आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्चुअलाइज करने के लिए। आप कोई भी अगर बिजनेस सेटअप करते हो ऑनलाइन या कोई भी टाइप का आपको आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर लेते हो और वो पूरा हेडेक संभालता है आपके एसेट्स का, उसका इंस्टॉलेशन, उसका मेंटेनेंस आपके तरफ से हट जाता है, पूरा वो मैनेज करता है और आपकी सारी डेटा सारी सर्विसेज आप उस क्लाउड पे होस्ट करते हो। और ये जो आर्किटेक्चर है ना इसका, कि किस तरीके से एक कंप्यूटर या बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड हैं, उस तरीके को, उस आर्किटेक्चर को क्लाउड बोलते हैं। बहुत ही हाई कैपेसिटी लो मेंटेनेंस सर्वर होते हैं जो ऑन डिमांड रिसोर्सेज और डेटा को डिलीवर करने के लिए यूज होते हैं, मेनली हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का बहुत एक्सटेंसिव यूज किया जाता है यहाँ पे। तो क्लाउड क्यों यूज किया गया, क्योंकि अगर आप कंपनी की बात करें, मतलब ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रमाइस अगर आप खुद से खरीदते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंस्टॉल करने का, बजट बनाने का, प्लान करने का, मेंटेन करने का सारा हेडेक आपके ऊपर आ जाता है और आपको बिजनेस चलाने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो बिजनेस में फोकस करो ना, आप इन सब चीजों का काम आप दूसरों पे छोड़ दो, वो मेनली क्लाउड में यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फायदे गिनवा देता हूँ। सबसे पहला है कॉस्ट, रिड्यूस्ड कॉस्ट। जितना आप यूज करते हो उतना ही आप पे करते हो, पे एज यू गो। खुद का ऑन प्रमाइस नहीं है, पूरा का पूरा सर्वर खरीदना नहीं पड़ रहा है, पूरा हार्ड डिस्क नहीं है, जितना यूज करोगे उतना ही पे करोगे। आपको कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है कि ये सारा एसेट वो पूरा हार्डवेयर लेवल पे मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा। और फिर जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी लो होता है, आपका ओवरऑल कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है, कटिंग हो जाती है। दूसरा है स्केलेबिलिटी, स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, दोनों मतलब बहुत ही मिनिमम टाइम कंजम्पशन में होगा, आपका डाउन टाइम नहीं आएगा, अपग्रेड करने में ओवरहेड नहीं लगेगा, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग ही आपके कुछ रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, जितना आपका यूसेज है उसके हिसाब से इंटेलिजेंटली यहाँ पर आपका टाइम बचता है। थर्ड है कोलैबोरेशन, मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप प्रोजेक्ट्स में कोलैब करना चाहते हो तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट में आना पड़ता है, वीपीएन वगैरह लगता है, एक्सेस मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे। अगर क्लाउड में शिफ्ट करोगे ना तो सारे लोगों को जिनको आप चाहते हो उनको एक्सेस मिल सकता है डेटा का, अकॉर्डिंग टू अ पॉलिसी जो आप सेटअप करते हो। यूजर मैनेजमेंट रोल्स होते हैं, एक्सेस मैनेजमेंट, बहुत कुछ कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। थर्ड पार्टीज को भी डेटा एक्सेस दे सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन SaaS PaaS या IaaS वो सब सुना होगा आपने। तो नेक्स्ट है मोबिलिटी, मतलब दुनिया भर में एम्प्लॉयज़ फैले हुए हैं बड़ी कंपनीज के, ट्रैवल करते हैं, तो उनको मतलब स्मार्टफोन एक दे दिया, स्मार्टफोन में क्लाउड एप्लीकेशन है, आपके क्लाउड पे होस्टेड है एप्लीकेशन, तो मतलब कहीं से भी एक्सेस कर लो। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके, आपने जीमेल खोला होगा, गूगल ड्राइव, ये सब क्लाउड के एग्जांपल्स हैं, SaaS वगैरह के एग्जांपल्स हैं। ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे तो बहुत ईज ऑफ यूज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इनसाइट्स, तो आपको पता होना चाहिए ना कि जो क्लाउड आप यूज कर रहे हो कितना यूज हो रहा है, कहाँ कौन सी चीज कितनी यूज हो रही है, डिटेल्ड एनालिटिक्स, डिटेल्ड रिपोर्ट्स बना सकते हो आप। तो जो CSP है क्लाउड प्रोवाइडर, वो आपको बर्ड्स आई व्यू देता है, जो आपको देखना है सटीक बस वही दिखाएगा, इंटेलिजेंटली रिपोर्ट्स बनाएगा। तो आप डिसाइड कर सकते हो, पहले ये देख सकते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है कि नहीं अकॉर्डिंग टू बिजनेस, या कुछ एक्शन प्लान्स बनाने, कुछ स्ट्रेटजीज बनानी है, कुछ चीज़ कम करनी है बजट वगैरह, कुछ मतलब कुछ भी आपको अगर ट्वीक करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है किसी चीज की, बहुत ही इजी हो जाता है। नेक्स्ट है डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर इज इनेविटेबल आप सब जानते हैं, तो अगर आप फिजिकल इंफ्रा में कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई कुछ चीज करप्ट हो जाती है, तो सारा जो बोझ है आपके ऊपर आ जाएगा, पहले फिक्स करोगे, बैकअप नहीं लिया है तो प्रॉब्लम, कितनी इंपॉर्टेंट डेटा लॉस हो जाएगी वहां पे, डाउन टाइम अलग आएगा, ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए क्लाउड में बैकअप्स होते हैं, रिकवरी कर सकते हो आप तुरंत बहुत ही मिनिमम डाउन टाइम में। तो लास्ट पॉइंट है सिक्योरिटी, ये बहुत ही डिबेटेबल है और मेरे ख्याल से यही पर्पस है इस वीडियो का। तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, और मेरे ख्याल से बिगेस्ट चैलेंज यही है क्लाउड का, सिक्योरिटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्लाउड सिक्योर नहीं है, काफ़ी सिक्योर है, और बहुत सारी चीज़ें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है चेंज करने के लिए। और बस ये बात है कि जो डेटा है वो आप मैनेज नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई थर्ड पार्टी मैनेज कर रहा है उसे, आपका वेंडर मैनेज कर रहा है, किसी रिमोट मशीन में पड़ा हुआ डेटा जैसे आप एक्सेस कर रहे हो वैसे कोई और भी कर सकता है, कोई बैड एक्टर या कोई एडवर्सरी भी कर सकता है।
तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है क्लाउड की, आप समझते हो, तो आप इजीली उसको सिक्योर कर सकते हो। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या कि कोई भी एक्सेस कर लेगा आपके डेटा को? नॉट क्वाइट। एक ट्रस्टेड रिपोर्ट के हिसाब से 94% बिजनेसेस को ये लगता है कि क्लाउड में आने से उनकी सिक्योरिटी इम्प्रूव हुई है, और 91% बिजनेसेस को लगता है कि क्लाउड में शिफ्ट होने के बाद गवर्नमेंट कंप्लायंस मीट करना काफ़ी ईजी हो गया है। एक इम्पॉर्टेंट बात, क्लाउड सिक्योरिटी का जो बैकबोन है ना, वो है एनक्रिप्शन, सारे डेटा का एनक्रिप्शन, क्योंकि की मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है यहाँ पे। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि कोई डेटा है, किसी ने मतलब कोई भी आपका एक डेटा होगा, किसी हैकर ने चुरा लिया, अब हैकर को वो डेटा एनक्रिप्टेड मिलेगा, जब तक वो की नहीं है उसके पास, वो नहीं खोल सकता, डेट डेटा इज यूजलेस। तो अगर की सिक्योर है, अगर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम सब सिक्योर है, तो कुछ होगा नहीं। दूसरा है एक्सेस कंट्रोल या आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये सोच के देखो कि जब भी SQL इंजेक्शन ढूंढते हो आप, तो उसका जो स्कोप ऑफ थ्रेट है वो क्या है? जो बैकएंड में जो डेटाबेस है, उस एप्लीकेशन की जो डेटा है, मोस्ट ऑफ द टाइम बस वही आपका स्कोप ऑफ थ्रेट, वहीं तक आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। लेकिन जब क्लाउड की बात करते हैं, तो जो ब्रेथ है वो बहुत बढ़ जाती है, जो थ्रेट है बहुत स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि जब आप SQLi वहां पर फाइंड करोगे, तो S3 में जो भी डेटा हो सकती है या इस तरीके के जो इश्यूज हैं, खैर SQLi छोड़ दो, कोई भी टाइप का इशू है, S3 बकेट में जो भी स्टोर्ड है, सारी एप्लीकेशन का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो जो स्कोप है वो बढ़ जा रहा है यहाँ पर थ्रेट का। तो अब ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं, मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत ही रेनोन्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने सर्वेस किए थे 2020 में, तो उनके जो टेक अवेज है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहली रिपोर्ट है ISC2 की तरफ से। ISC2 आप जानते होंगे शायद CISSP सर्टिफिकेशन की जो बॉडी है, बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी नाम है उनका। तो फिर से बता रहा हूँ कि क्लाउड रिलेटिवली बहुत नई टेक्नोलॉजी है, बहुत ही फास्टर अपग्रेड्स हो रहे हैं इसमें, और ये रिपोर्ट जो 2020 में उन्होंने सर्वे किया था साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने, उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है कि 67% पब्लिक क्लाउड्स में मिसकन्फिग्रेशन है, जो कि बहुत सारे मतलब मेजॉरिटी ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स को आमंत्रण दे रहा है। 67% 78% कंपनियों ने किसी न किसी तरीके से क्लाउड इंप्लीमेंट किया है, और जो बची हुई है उनमें से 18% कंपनियों ने ये बोला है कि आगे चल के फ्यूचर में हम भी किसी न किसी तरीके से क्लाउड इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जो 78% है जिन्होंने किया हुआ है, उनमें से 47% ने ये बोला है कि हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज हो रही है क्लाउड मैनेज करने के लिए। आप AWS डैशबोर्ड को देखिए, कितना ओवरवेलमिंग लगता है, कितना कुछ है कंटेन करने के लिए, कितने सारे सर्विसेज है वहाँ पे, मशीन लर्निंग चाहे लॉगिंग चाहे इंस्टेंसेस चाहे स्टोरेज, आप देख लो IAM मैनेज करना पड़ता है, यूजर रोल्स हैं, पॉलिसीज हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब दुनिया भर की चीज़ें हैं देखने के लिए और समझने के लिए। सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है क्लाउड में डेटा लॉस, 64% ऑफ ऑल द थ्रेट्स में यही आता है, उसके बाद डेटा प्राइवेसी एंड देन एक्सपोजर ऑफ क्रेडेंशियल्स। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है ब्रिंग योर ओन की या ब्रिंग योर ओन एनक्रिप्शन, जहाँ पर लोगों को ये बोला जाता है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आप अपने डेटा को खुद के एनक्रिप्शन से सिक्योर करो। खुद के कुछ उनके मॉड्यूल्स होते हैं, हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स कुछ कुछ आते हैं वहाँ पे, तो उनका खुद का की मैनेजमेंट है, खुद से कीज क्रिएट करेंगे, खुद से एनक्रिप्ट करेंगे और खुद से रिट्रीव करेंगे, तो ये ऑथेंटिकेशन भी वही हैंडल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जब कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा है, कोई वीक एनक्रिप्शन लगा रहा है वहाँ पे, उस टाइम पर डेटा लॉस हो सकता है, ये एक थ्रेट है। मतलब जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल करोगे, उतना ज़्यादा आप वल्नरेबल भी होते जाओगे। और एक्सेस मैनेजमेंट ये भी इम्प्लाय करता है कि जब भी आप किसी को डेटा का एक्सेस देते हो, अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसको रिवोक करना हुआ, तो जब आप रिवोक करोगे तो उस डेटा का एक्सेस उसको रिवोक होना चाहिए। अगर वो रिटेन कर रहा है, वो एडवर्सरी अगर उस डेटा को रिटेन कर रहा है आपके रिवोक करने के बाद भी, तो एक सिक्योरिटी कंसर्न है। तो ये सारी बातें और स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए आपको पता चल गया होगा कि क्यों नीड है। और साइबर सिक्योरिटी में तो मतलब पूरे पास्ट डेकेड से इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है, चाहे आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी बोलो चाहे क्लाउड सिक्योरिटी, तो जो ट्रेंड है वो चलता ही आ रहा है और चलता रहेगा इसी फैशन में। और देखते हैं आगे चल के कि बस स्टे इन कम्युनिटी, मतलब नेटवर्क्ड रहो, नेटवर्क में रहो और सीखते रहो, बस यही तो करना है और क्या, स्पेसिफिक नहीं है कुछ। और बस यही था इस वीडियो में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जिनको भी क्लाउड में इंटरेस्ट था, जिनको भी सिक्योरिटी में करियर बनाना है, तो आप आगे जाओ पढ़ो, हम आपके साथ हैं। कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स पर डाल देना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और आगे ऐसी वीडियोज और चाहिए करियर्स पे, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, हर
टाइप के वीडियोस डालते रहता हूँ, तो बस सब्सक्राइब कर दें, व्यूज बहुत आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता। सब्सक्राइब कर दो और बस आगे दिखते रहो और ऐसे सपोर्ट करते रहो, सीखते रहो और गुड बाय।